हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संविधान सभा में। लुसेंट चैप्टर का करवा रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। तो बोला कि 1922 में, देखिए 22 से संबंधित है तो गांधी जी ही मारिएगा, ठीक है। किसने व्यक्त किया था? महात्मा गांधी ने ही व्यक्त किया था, ठीक है। 1922 आपको पता है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो 22 से संबंधित अगर डाल देगा तब तो इजी हो जाएगा, महात्मा गांधी मारना। और खाली ये बोलेगा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा 1922 में, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब मांग किया था? 1924 में, ठीक है। 1923 में ये पार्टी बनाए थे अपना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मोतीलाल नेहरू चित्रनंदन दास मिलकर के। चलिए आगे चलते, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का, यानी संविधान सभा क्या हो, गठन हो। तो संविधान सभा गठन का मांग किया था मोतीलाल नेहरू ने, और कहा था महात्मा गांधी ने कि भारतीय संविधान जो होगा भारतीय के अनुसार ही होगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था और गठन का बात मोतीलाल नेहरू ने किया था, संविधान सभा गठन का। संविधान सभा के विचार के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली देखा जाए तो एम एन राय ने किया था। फिर से सुनेगा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन, ओके, यानी डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन या जो औपचारिक रूप से जो ऑफिशियली किया गया था वो किसने किया था? डिमोन्स्ट्रेशन तो एम एन राय ने किया था, ठीक है। और भारतीय की इच्छा अनुसार महात्मा गांधी ने, और संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश से मोतीलाल नेहरू ने किया था, ओके। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा गठन की मांग की, लेकिन गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, ये महात्मा गांधी ने। और एम एन राय ने क्या बोला था, ये ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था संविधान सभा का। चलिए आगे, चौथा नंबर, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप का मतलब है कि कौन से व्यवस्था में, यानी कौन से सभा में किस व्यक्ति को हेड बनाना है, ठीक है। जैसे प्रारूप समिति में हेड हो गए B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है। फिर उसी प्रकार मोतीलाल नेहरू डिमांड किया, औपचारिक रूप से ऑफिशियली डिमांड किए, ये क्या नाम है, एम एन राय ने किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब के पारित किया था? तो 1936 में किया था, ठीक है। फिर से सुनिएगा, कांग्रेस ने कहा था कि बाह्य हस्तक्षेप के बिना ही भारतीय जनता के द्वारा जो संविधान निर्माण होगा उसकी मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। यानी भारतीयों के अलावा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कब मांग की गई थी? 1936 में मांग की गई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और 1938 में किस व्यक्ति ने वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। फिर सुनेगा, 1938 में मांग की थी कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो किसके आधार पर होगा? तो वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर होगा, इसकी मांग किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी, ओके। उस समय वैयक्तिक मताधिकार का एज कितना था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, यानी युद्ध भी होगा तब भी वो संविधान का निर्माण होते रहेगा। ये 1942 में किया था, तो किसने किया था, तो क्रिप्स योजना कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, क्रिप्स योजना कहलाता है कि 1942 में योजना के तहत स्वीकार किया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा गठन। देखिए, निर्वाचन का मांग किया था कि वैक्स मताधिकार के आधार पर, यहीं से पता हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। का गठन होगा आयुध के उपरांत ही, इसका क्या होगा, निर्माण करेगा, निर्माण होते रहेगा। तो क्रिप्स योजना में कहा गया था युद्ध के उपरांत, ठीक है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। देखिए, 1895 डाल दिया संविधान सभा के गठन की मांग, तो बाल गंगाधर तिलक होगा, बीजी तिलक रखिएगा, ठीक ना। 1895 कहेगा तब संविधान सभा के गठन की मांग, और ऐसे खाली संविधान सभा के गठन की मांग मोतीलाल नेहरू ने किया था ब्रिटिश के सामने 1924 में, किसने, मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन 1895 का बात बोलेगा तो बीजी तिलक मारिएगा, ठीक है। हाँ, संविधान सभा भारतीयों के अनुसार ही होगा, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, ठीक है। भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था, तो संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार यानी बेस क्या बनाया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, ठीक है। जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी किसके अनुसार गठित की गई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार की गठित की गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी भारत का 1946 से। माउंटबेटन प्लान कब आया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। युद्ध के उपरांत भी संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होगा, ये क्रिप्स मिशन बताया था। ओके, साइमन गो बैक का नारा कब लगा था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1936, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, ये सब हॉट क्वेश्चन है दोस्तों, आने का चांस रहता है सिपाही में, कॉन्स्टेबल में, ठीक है, और सब भी एग्जाम है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, तो फैजपुर में हुआ था। फिर से सुनिएगा, 1936 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, तो फैजपुर में रखी गई थी, ठीक है। यानी ये राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग किया था, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा गठन की मांग की गई थी 1936 में, फैजपुर में किया था, ठीक है। कांग्रेस का सिर्फ बात करेगा तब। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, 389 सदस्य होना था, ठीक है। कैबिनेट प्लानिंग जो था, ओके, उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, 389 होने थे, ठीक है। कितना, 389। और प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना हुआ था, तो किस प्रकार होना हुआ था भाई, तो सबसे पहले कहा गया था कि ब्रिटिश फ्रांस से 292 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, यानी प्रतिनिधि को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यानी ब्रिटिश प्रोविनेंस रहेगा, उसमें से 292 क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ओके। मूल संविधान में जो भारत का जो सदस्य था उसमें ब्रिटिश से जो प्रोविनेंस था उसमें 292 क्या होगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश प्रांत का, ठीक है। फिर देसी रियासत का कितना रिप्रेजेंटेटिव होगा, 93 रिप्रेजेंटेटिव, जो अभी नेता का ना सांसद विधायक ये सब,
उसी प्रकार उस समय होता था। तो कितने रिप्रेजेंटेटिव होते थे? 93 रिप्रेजेंटेटिव देसी रियासत से बोला गया था, ठीक है, जबकि 292 रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश प्रांत से बोला गया था। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि बोला गया था। जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन था आपको पता है? कौन कौन? बंगाल था, मद्रास था, ठीक है, बॉम्बे था, एक और था, वो आपको मैंने बॉक्स में बताइएगा। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, 292 ब्रिटिश प्रोविनेंस का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, और 93 देसी रियासत का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ठीक है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, ठीक है। बताइए दिए कि विभिन्न प्रांतों के लिए कितने रिप्रेजेंटेटिव का? तो 292, ठीक है, 292 का जो मेंबर था उसका इलेक्टेड होना था, यानी निर्वाचन होना था। तो इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, यानी चुना कर कांग्रेस से 208 जीत करके आए थे, ठीक है, 208 जीत करके आए थे, 292 में से 208 प्रतिनिधि जीत के आए थे कांग्रेस से। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? देखिए, संविधान सभा जो गठन हुआ था वो मूल से हट करके टूट गया था और फिर से गठित किया गया था, जो कितना हो गया था आपका? 292.9 हो गया था, यानी लगभग 300 से एक कम, ठीक है। कितना हो गया था पुनर्गठन के फलस्वरूप? 299 हो गया था सदस्यों की संख्या, ठीक है, 299 सदस्यों की संख्या हो गया था। संविधान सभा अब मूल में 289 था, लेकिन टूट करके जो फिर से पुनर्गठन हुआ तो 399, मतलब 299 हो गया लगभग 300। तो देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे। पुनर्गठन जब हो गया तो 92 से घट करके कितना हो गया? 93 से भले 70 हो गया, ठीक है, देसी रियासतों के लिए। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? तो पुनर्गठित जो संविधान सभा हुआ, यानी फिर से गठित किया गया, उसमें कितने प्रोविंशियल प्रांतों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे? तो 229 229, ठीक है, 229, जबकि रिप्रेजेंटेटिव कितने थे देसी रियासत के? तो 70, देसी रियासत के 70 थे, ठीक है, जबकि विभिन्न प्रांत के प्रोविनेंस का जो अथी रिप्रेजेंटेटिव था 229। ये दोनों को मिला लीजिएगा तो 299 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है, जोड़ दीजिएगा तभी दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित जो सदस्य थी उसकी संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होती है? ये तो आपको ये भी पता है कि 10 लाख पर होता है, ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो होती है 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव रखा गया है, ओके। यानी जैसे कि एक विधायक है या एक एमपीए है, ओके, एक एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक एमपी है और उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उस पर एक रिप्रेजेंटेटिव पर कितने लोग होते हैं? 10 लाख लोगों की संख्या होती है, यानी उसके क्षेत्र में, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो देखिए, संविधान सभा के जो जो सदस्य थे, ठीक है, उसको प्रांतों की विधानसभा ने क्या किया था? चुना था। किसको चुना था? प्रांतों की विधानसभा में, प्रांतों की विधानसभा ने चुना था। जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना संविधान सभा के, वो प्रांतों की विधानसभा के सदस्य ने चुना था, ठीक है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का था, ठीक है। संयुक्त प्रांत आज के नाम से क्या जाना जाता है? आपको पता है संयुक्त प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? अभी तो यूपी के नाम से, यानी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ओके, जिसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव यहीं से आए थे, ओके। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। संविधान सभा के ये जो देशी रियासत था, ठीक है, भारत का,
इसके रिप्रेजेंटेटिव भाग नहीं लिए थे। किसका? तो हैदराबाद का। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि ये लोग का डिमांड था कि अलग क्षेत्र बनाना है। अलग क्षेत्र का मतलब अलग देश बनाने का डिमांड कर रहा था, इसलिए इन लोगों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। ओके। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है। बी आर अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, उस में इलेक्टेड कहाँ से हुए थे अंबेडकर साहब? तो पश्चिम बंगाल से इलेक्टेड हुए थे। ओके। पश्चिम बंगाल से इलेक्टेड हुए थे क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि ये दलित थे तो कहा जाता है जैसे। ओके। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली वर्ड शेड्यूल कास्ट है। ओके। शेड्यूल ट्राइब। सो वहाँ मुस्लिम वोट होने की वजह से वहाँ से जितना संभव था। ओके। क्योंकि आपको पता है वहां से जीत पाना एक आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं है सभी जगह से। ओके। सभी जगह की तुलना में तो पश्चिम बंगाल से ये संविधान सभा में निर्वाचन हुआ पश्चिम बंगाल से। ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहता था। ठीक है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए क्या चाहता था? अलग से संविधान चाहता था। ठीक है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ठीक है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो तो किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। कैसे? तो आपको बताए थे ब्रिटिश प्रोविनेंस का था। ठीक है। चार गो कमिश्नरी था। ओके। प्लस देसी रियासत का प्रतिनिधित्व था। ठीक है। यानी देसी रियासत का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव माने व्यक्ति, ठीक है, वो उनका था। इसलिए कहा जाता है वर्गीय मताधिकार के बेस पर संविधान सभा का चुनाव किया गया था, ये आधार था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कहाँ के? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। किसके द्वारा? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। ओके। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ओके। इस प्रकार संविधान सभा के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, चुना गया। भारत संविधान निर्मात्री सभा क्या था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। फिर से बताते हैं, संविधान सभा का जो जो निर्माण हुआ था, यानी निर्मात्री सभा का मतलब निर्माण जो हुआ वो किस प्रकार हुआ? तो बोलता है कि प्रांत का जो विधानसभा थी, ओके, उसमें जो सदस्य थे उस सदस्य के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कितने सदस्य है किसी विधानसभा में, ओके, हर राज्य का विधानसभा होता है, उसके रेशियो के हिसाब से चुनाया गया था। ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा का निर्माण होता है। ओके। जैसे कि आप सुनते होंगे बिहार में 243 है। ओके। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, सबका अलग अलग सीट है। तमिलनाडु में देख सकते हैं 234 सीट है। तो सबका अलग अलग संख्या, उस संख्या के आधार पर, ओके, उस संख्या के आधार पर यानी रेशियो के आधार पर संविधान सभा का निर्मात्री सभा का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1946 में संविधान सभा के लिए बोला गया। ओके। जनरल इलेक्शन के लिए नहीं बोल रहा, संविधान सभा के चुनाव के लिए कब कब संपन्न हुआ? तो 1946 को हुआ था। ओके। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ओके। संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। कि 10 जून को? जी नहीं, 9 दिसंबर को हुआ था, 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ओके, संविधान सभा के अधिवेशन उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कहाँ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, उद्घाटन अधिवेशन बोल रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को कौन आ गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। ठीक है, तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन गठन भी किया गया। संविधान सभा के यानी संविधान सभा की स्थापना भी इसी वर्ष हुआ, 1946 को 9 दिसंबर को। साथ ही साथ पहला सत्र भी इसी दिन ही हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, बताए थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और बोलेगा प्रारूप समिति में के एम मुंशी भी थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? बताए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा, और ये सबसे पहले ही संविधान सभा के चुनाए थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थाई चुनाए कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो 11 दिसंबर 1946 को चुनाए थे 2 दिन बाद। ओके, 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ, स्थापना भी 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और जिसके अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हुए और अस्थायी हुए राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, बताए थे आपको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव को बनाया गया था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो के मुंशी थे, संविधान सभा के सदस्य थे। गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, टीटी कृष्णाचारी भी थे। ठीक है, ये संविधान सभा के सदस्य थे आपका। ओके, बाकी के एच एच बेग नहीं था। ओके, तो इसमें तीन वो को याद रखना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि कौन नहीं था। के एम मुंशी थे, अयंगर साहब थे, और टी कृष्णाचारी थे। ठीक है, के जी टी। ठीक है, के से के एम मुंशी, जी फॉर गोपाल कृष्ण, और टी फॉर टीटी कृष्णाचारी, ये संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो 13 समितियां बनाई थी। कितना समितियां बनाई थी? 13 समितियां बनाई थी। किस चीज़ के लिए? संविधान सभा विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए। ओके, संविधान के जो विभिन्न पहलू होंगे उसके अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समिति बनाई? तो 13 समिति बनाई थी। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा जो समिति थी, ठीक है, जिसको ड्राफ्टिंग कमिटी भी कहते हैं इंग्लिश में, जी की समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, दोनों ऑड फॉर्म में 7 और 9, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, उनके पिताजी रामजी अम्बेडकर गांव से आते थे। ठीक है, अम्बेडकर गांव से आते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले अम्बेडकर ही था उनके नाम में, फिर उस नाम को बदल करके अम्बेडकर डाला गया।
चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, मतलब सदस्य के साथ साथ मुख्य लोग, मुख्य व्यक्ति भी। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति का बात किया तो टोटल 7 व्यक्ति था, यानी एक हफ्ता, एक एग्जाम्पल लेके याद रखिएगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर कितने थे? तो 7 थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में, कमेटी यानी समिति में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके सदस्य नहीं थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में देखिए, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान थे और के एम मुंशी भी थे, सरदार पटेल नहीं थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में सरदार पटेल नहीं थे, बाकी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान थे और के एम मुंशी थे। ठीक है, के एम मुंशी, डीपी खेतान, खेतान मार्केट आप सुने होंगे, बिहार का पटना में है। ओके, उस प्रकार से आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। और अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर तो देखे होंगे, कौन सा सब टीवी पर एक नाटक आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अय्यर। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति, जिसे मसविदा समिति भी कहते हैं इंग्लिश में, कहते ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं थे, बाकी के एम मुंशी थे। ओके, मोहम्मद सदाउल्ला खां था और गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे और अयंगर भी थे, सदा उल्ला खां भी, मोहम्मद सदा उल्ला भी थे, के मुंशी भी थे। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी मसविदा समिति को, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य समक्ष इस प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कि हाँ संविधान में एक प्रस्तावना रखा जाए। ठीक है, तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ओके, अब बी एन राव क्या था? सलाहकार थे संविधान सभा के, और जिसके हेड कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसारी होगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ओके, ब्रिटिश के सामने कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले। ठीक है, और उससे भी पहले कहिएगा था 1895 का, तो बाल गंगाधर तिलक आते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था। ठीक है, सहमति और समायोजन, ना कि सर्वसम्मति, ना कि बहुमत, सहमति या समायोजन के, योजना के आधार पर लिया गया था सभी निर्णय। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने, साथ ही साथ प्रस्तावना का प्रस्ताव भी रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ के शक्ति बोल रहा है, ठीक है, कौन सा शक्ति? संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अय्यर तो थे, अति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे और अम्बेडकर साहब भी थे, अयंगर अय्यर दोनों, के मुंशी, सदाउल्लाह भी हो गए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? कि हाँ, भारत को एक संविधान देना, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान देना है यानी भारत को एक प्रस्ताव पारित किया गया, इसके लिए कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ओके, हकीम मुंशी किस समिति के
मेंबर थे, ये भी बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताए हैं अभी जस्ट। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना, तो जिससे कि आपको क्या होगा, बीच बीच में प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ओके, तो याद रखिए, लिखे दीजिएगा तो आप ही को प्रैक्टिस होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? जुलाई 1947 में। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ठीक है। और राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब किया गया था? जुलाई 1947 को किया गया था। ओके, कब किया गया था? जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। अंगीकार का मतलब अंग दिया, ठीक है, डिजाइन दिया। वो कब दिया? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। झंडे, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया कब? जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा और उसका अंगीकार किया गया कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को ही किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया, मतलब बन गया था अब, ठीक है। संविधान बन के लगभग, मतलब लगभग क्या करें, मतलब तैयार हो गया था, लेकिन पारित नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया था। लागू 26 जनवरी को होता है, लेकिन अंतिम रूप से ये दिन पारित कर दिया गया कि संविधान बन गया है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। झंडे की अभिकल्पना जुलाई 1947 को, और रूपरेखा राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को मिली थी, ठीक है। किस, हाँ चलो, अब इस दिन हमको पारित करना है, मतलब लागू करना है। तो 24 जनवरी, 26 जनवरी से दो दिन पहले मिली थी संविधान सभा ने, ओके, 24 जनवरी 1950 को मिली थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य ही उपस्थित थे। उपस्थित कितने थे? 284। ओके, 289 में से 284 उपस्थित थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए 395 अनुच्छेद है, 8 शेड्यूल है, ठीक है। आर्टिकल 395 है। आर्टिकल कितने हैं टोटल? 395 आर्टिकल है, और शेड्यूल कितना है टोटल? 8 है। ओके, उस समय मूल संविधान में का बात कर रहा है, अभी तो शेड्यूल कितने हो गए? 12 हो गए, ओके। और बाकी अनुच्छेद उतने ही है। संविधान भारतीय, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अविभाव्य हुआ? यानी संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में, संसद के रूप में, हाँ कि आप संसद के रूप में जाना होगा, तो कब? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ संविधान सभा का अंतरकालीन संसद। कौन सा संसद? तो अंतरकालीन संसद के रूप में अभिवार्य हुआ, तो कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश, सॉरी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। जी हाँ, विभिन्न प्रांत के जो विधानसभा थे उसके द्वारा चुना गया था, जितना भी सदस्य था उनको। फिर है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
तो किसने किया था? देखिए, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार बताए थे स्वराज पार्टी ने किया था 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, बताए थे आपको। ठीक है, कब किया था? 1924 में स्वराज पार्टी ने कि हाँ भाई, संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का बनाना होगा, यानी गठन होगा। तो किसने पारित किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। ओके, 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सब जेल में थे। कौन सा एक सही, ये बताना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल चुनी गई थी। ठीक है, ये एक सही है। देखिए, इसमें बोला जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सरदार पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए, सब थे लेकिन जिन्ना नहीं था। ठीक है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तो देखिए, प्रथम अधिवेशन 1947 को नहीं हुआ था, बल्कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऐसे दिन स्थापना भी की गई थी 46 में, ना कि 47 में। और 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं, बल्कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? बन गया था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था। तो ये भी गलत है, तीनों गलत है। निम्नलिखित में संविधान के बारे में गलत कथन कौन सा है? देखिए, इसमें इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। जी हाँ, जिसमें 13 समितियाँ बनाई गई थी, इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, ये इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी कि किस प्रकार संरचना, स्ट्रक्चर, ये सब होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय, इन्होंने ही क्या किया था? अम्बेडकर साहब ने पूरे दुनिया प्लस अम्बेडकर साहब और सब भी पूरे दुनिया का संविधान पढ़ करके जो अच्छा लगा उसे लाया। ठीक है, बाकी सबको जो खराब लगा उसे छोड़ दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। जी हाँ, ठीक है, ये भी सही है। एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, पता है आपको? अंग्रेज के साथ जो इंडियन लोग शादी किया है, या फिर जैसे अंग्रेज ही लड़की भी हो सकती है, तो वो भी लोग इंडियन लोगों से शादी किया था, तो उसे एंग्लो इंडियन कहा गया। ठीक है, ये भी सदस्य पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। टैक्स संपत्ति, जो कर संपत्ति था, और शैक्षणिक योग्यता था, उसके कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। जी हाँ, फिर से सुनिएगा, ये बिल्कुल सही है। 1900 गलत कथन है, ये बताना है। इसमें सी जो होगा गलत हो जाएगा। और 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित, किस पर? 1935 का जो 6ठा अनुसूची था, 6ठा अनुसूची मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 6th क्लास, तो जो शेड्यूल था उसी पर आधारित थी। इसमें क्या बोला गया था कि जो टैक्स देगा और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि भारत में सभी लोगों को उस समय वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। 1935 का मैं बोल रहा हूँ, 1947 का नहीं। भारत मात्र भारत ही या कुछ ही ऐसा कंट्री है जो देश आज़ाद होने के साथ सबको वोट करने का अधिकार दिया, महिला हो या पुरुष, गरीब हो, अमीर, या पढ़े लिखे हो या अनपढ़। देखिए, बहुत सा आरोप लगाता है कि अनपढ़ को क्यों वोटिंग करने का अधिकार दे दिया। तो आपको पता है होंगे, अम्बेडकर साहब काफ़ी दूरदर्शी थे। कैसे? तो देखिए, जब पढ़े लिखे लोग किसी व्यक्ति का गुलाम बन जाए या किसी के अनुयायी बन जाए, तब लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये इन्हीं लोगों को, यानी जो जिनको तकलीफ हो रही है, इसको हटा सके, गिरा सके। ठीक है, क्योंकि
देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड है, तो एक खास पैसा आने लगता है, लेकिन दुख तकलीफ तो नहीं समझ पाती है पाता है, तो उसको जिसको तकलीफ हो रहा है वो ना जानेगा कि कैसे कि कहाँ पर हम लोग को लॉस हो रहा है, देख तकलीफ हो रही है। इसलिए कोई भी सरकार के पढ़े लिखे लोग जब गुलाम बन जाए तो फिर ये लोग अपना स्टेप उठा सके। इसीलिए क्या किए थे कि नहीं, उन्होंने बिना भेदभाव के सभी को वोटिंग का अधिकार दे दिया। जबकि 1935 में आप देखिएगा तो जिसके पास टैक्स, जो टैक्स देता था, जो पढ़ा लिखा लोग था, सिर्फ उसी को वोट देने का अधिकार था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। जी हाँ, ये अस्थाई थे। जब फिर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अस्थाई बनते, जो 9 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं, पहला अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद। ठीक है, और प्रारूप समिति के हेड कौन थे? अंबेडकर साहब। और उद्देशिका प्रस्ताव, ओके, प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, संविधान सभा के सामने साथ ये, और ये कहा था प्रस्तावना जोड़ा जाए संविधान में। साथ ही साथ संघीय संरचना के हेड भी थे जवाहरलाल नेहरू। तो तीन गो तो आपको यही पता चल गया, संघीय सभा, प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, साथ ही साथ उद्देशिका प्रस्ताव, ये तीन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर साहब को माना जाता है। ठीक है, ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल ऑन दैट टाइम। ओके, सोचिए उस समय अकेले लड़ना आसान नहीं था, जहाँ जिस समय जाति भेदभाव चरम पर थी। अब भी है, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उस समय तो और भी है थी। ओके, और उस समय पढ़ना, सोचिए इन लोग को जितना कम संसाधन मिला, ये लोग उतने कम संसाधन में अपने आप को डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, और किसी को आप कितना भी दीजिए, वो डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनको निर्धारित है। ठीक है, तो ये हम लोग, जवाहरलाल नेहरू नहीं था, पांडुलेखन का मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके, जिसे आप प्रारूप समिति भी कहते हैं। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी अय्यर, अयंगर, सदाउल्ला, के एम मुंशी, ओके, ये लोग थे संविधान सभा के पांडुलेखन समिति के सदस्य। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आपको पता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कब? 1930 में इसी तारीख को, 26 जनवरी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आप ये बताइए कि 1930 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका संविधान सभा खत्म होता है लुसेंट का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।